हेलो दोस्तों, अभी इंडिया में लॉन्च हो चुका है OnePlus 5, तो आज मैं आपको बताऊंगा क्या हमें फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो पहला रीज़न है, OnePlus 5 iPhone 7 की कॉपी है। उसका कैमरा सेटअप, उसकी फ्लैश लाइट और उसके लोगो का एरिया सब 7 से मैच करता है। आप इस इमेज में देख ही सकते हैं, दोनों के लग रहे हैं। सेकेंड रीज़न, इसका कैमरा बहुत अच्छा है। पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है जब आप फ़ोटो खींचते हैं, जैसे कि आपको सभी हाई एंड स्मार्टफोन्स में मिलता ही है। पर फिर भी ये आईफोन 7 का मुकाबला नहीं कर सकता, पर अपने प्राइस रेंज में ये बेस्ट है। और थर्ड रीज़न है, ये फ़ोन बहुत जल्दी चार्ज होता है थैंक्स टू डैश चार्जिंग। और आप इसे देख भी सकते हैं कि ये फ़ोन सारी हाई एंड स्मार्टफोन से बहुत जल्दी चार्ज होता है। इसे OnePlus 5 चार्जिंग में बेस्ट है। फोर्थ रीज़न, OnePlus 5 बहुत फास्ट है क्योंकि इसमें Qualcomm Snapdragon 835 है, जैसे कि सभी फ्लैगशिप फ़ोन में होना ही चाहिए। और स्टोरेज 64 GB है बेस मॉडल में और दूसरे वेरिएंट में 128 GB है। सिक्स रीज़न, OnePlus 5 बहुत अच्छा फ़ोन है इस प्राइस रेंज में, पर आपको VR सपोर्ट नहीं मिलता है जो सभी हाई एंड डिवाइसेस में आजकल मिलता है, और इसमें वायरलेस चार्जिंग भी नहीं है, और ये फ़ोन वाटरप्रूफ भी नहीं है। मतलब सीरियसली, इतना महंगा फ़ोन पानी में गिरते ही ख़त्म। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। धन्यवाद।